ਕਿੱਥੇ ਕਾੜ ਦਿਓ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ एक बार फिर आपका राजस्थान लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल के टेस्ट नंबर 14 में सभी का हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाओ फटाफट, सात बजकर के 50 मिनट पे अपन लोग टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिकों से संबंधित मैं आपको सामने टेस्ट को लेकर के आया हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। वीरेंद्र सिंह, सूर्य प्रकाश, धर्मवीर, शहबाज, आदव भाई, हाँ, सुबेदा चौधरी, गुड इवनिंग भाई, फटाफट जुड़ जाओ। आपका 7:30 बजे का टाइम था, लेकिन बाहर मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से अपन लोग फिर टाइम पे शुरू नहीं कर पाए। 1 तारीख के लिए से सारी चीज़ें बाहर की तरफ से सही आ जाएंगी। जवानों तनीसा, हाँ, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग कंचन यादव, सुबेदा, सभी जुड़ जाओ। 7:50 पर अपना टेस्ट शुरू कर रहे हैं। सर एक मिनट, पर्सन निकाल दो। हरामतार जी सर को गुड इवनिंग भाई। सुभाष भोचलिया, हाँ, बाहर की तरफ मौसम थोड़ा खराब चल रहा है भाई। सुलोचना दादरवाल, गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अभी टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। पूनम गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कर दो तो शुरू। सभी तैयार हो? हाँ, सुरेंद्र भोचलिया, गुड इवनिंग भाई, तैयार हो सभी? कर दे शुरू। चलो भाई, पहला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फटाफट बताओगे आंसर? प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दिख तो रहा है ना साफ एकदम? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जुड़ जाओ फटाफट, जुड़ जाओ पहले प्रश्न में। शाबाश सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एक साथ आंसर आना चाहिए। क्लास को लाइक भी करते रहेगा, शेयर भी करते रहेगा जवान, फटाफट। चलो, दिख रहा है तो इस प्रश्न का आंसर आएगा कि वैदिक काल में जो भी थे, गेहूं भी थे, चावल भी थे, तो प्रश्न पहला आज का मोस्ट का, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा जवानों? डी आएगा। क्या आएगा जवानों? डी। याद रखने वाली चीज कि वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का कोई ज्ञान नहीं था। शाबाश। दूसरा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बताने की कोशिश कर रहा भाई। हाँ विकास, अच्छी बात है, आंसर आना चाहिए एक साथ। शाबाश। मनीषा रोज, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। प्रश्न पे ध्यान दो, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? अभी तक एक का भी आंसर सही नहीं आया है। ध्यान देने वाली चीज है कि वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ह
हाँ, सिर्फ एक का आंसर सही आया है। क्या कहा जाता है? श्रमण। कि वेद विरोधी और धार्मिक विद्या जो विरोधी थे, जो अध्यापक थे, उसको श्रमण कहा जाता था। एक का आंसर सूर्य प्रकाश का सही आया है। अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट। पहला दूसरा प्रश्न ही चल रहा है अभी तक। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। धर्मेंद्र सिंह शाहवास, बी प्रियांशु शर्मा, सी मनीषा रोज देवा। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड इवनिंग भाई सुनील बाजरोलिया, फटाफट जुड़ो, प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करो। शाबाश शाबाश। डीके नेरा, विकास खेचर, थोड़ा सा ध्यान दो यार, प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न आया हुआ अभी है, एसएससी ग्रेड में आया हुआ है, ध्यान रख सेकंड ग्रेड में। एक दो कैंडिडेट का आंसर आया अभी तक कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। सुभाष भोचलिया शाबाश, सुरेंद्र भोचलिया शाबाश, सुबिता शाबाश। हाँ, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? सी, 16वें सूत्र क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, याद रखना। प्रश्न आया हुआ है और मोस्ट प्रश्नों में भी माना जाता है। वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? फटाफट बताओ भाई। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वेद चार होते हैं जवानों, कितने होते हैं? चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। इनमें से एक आपका आंसर आएगा कि वैदिक युग में संस्कृति के बारे में, युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। फटाफट बताओगे जवानों, सबका आंसर सही आना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छी बात है, शाबाश। आंसर पूरे नहीं आ रहे मेरे पास अभी तक, 10 लोगों 15 लोगों के आंसर आए हैं। शाबाश शाबाश सुरेंद्र भोचलिया, अच्छी बात है। पूनम हरीश, सही बात है। कविता कविता जाट, शाबाश। दिलीप सुरेंद्र, हाँ सीधी सी बात है। वैदिक यार सभ्यता के अंदर वैदिक किस किस के अंदर बताया गया है? ऋग्वेद के अनुसार, जो सबसे पुराना वेद बताया गया है। चलो भाई, प्रश्नों का लेवल अच्छा चल रहा है तो थम का निशान देकर बताओ भाई, फटाफट। प्रश्नों का लेवल अच्छा चल रहा है तो फटाफट थम का निशान देकर बताओगे भाई। फिर अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँ, फटाफट बताने की कोशिश करना, तुरंत बताना, फटाफट फटाफट बताओ। आपको आवाज एकदम क्लियर चल रहा है सारी चीज तो थम का निशान देकर बताओ भाई, फटाफट। शीशराम कुड़ी, बहुत लेट हो रहे हो भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है सभी का आंसर, फटाफट आने चाहिए। शाबाश, अच्छी बात है जवानों, शाबाश शाबाश। विकास, अच्छी बात है। सुनील, अच्छी बात है। सुरेंद्र, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कमेंट पूरे नहीं कर रहे, क्या चक्कर है? कमेंट करना आ नहीं रहा या चक्कर क्या है? थम का निशान तो दे सकते हो। सुबेता चौधरी, शाबाश। आ गए क्या सभी के? चलो अगला प्रश्न आपके लिए, बहुत अच्छा है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? फटाफट बताओगे भाई, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? साकल्य, जांत्रिक, सल्लास और लिच्छवी, फटाफट बताओगे भाई।
फटाफट बताओगे महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ध्यान से दो कॉफी। एक का भी सही नहीं है ये आंसर। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा ये बात है, कर गया। हाँ गोत्र कौन सा आएगा? जांत्रिक। याद रखना महावीर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, सभी ए लोग बताने की कोशिश करें। यह नहीं आएगा, कौन सा आएगा आपका? जांत्रिक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ जानू? सी। फटाफट ध्यान देने की बात है, महावीर की माता कौन थी? फटाफट बताओ भाई। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? फटाफट बताओगे भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत से लोग जुड़ गए हैं अपना टेस्ट देने के लिए, सभी में रुचि है जवानों, लगे रहो। महावीर की माता यशोदा, अनुजा, त्रिशूला और देवानंदी, सभी को पता होना चाहिए, सभी का आंसर आ रहा है। शाबाश, क्या आएगा जवानों? त्रिशूला। कि महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशूला। शाबाश। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान और सुबुद्ध। फटाफट बताओगे जवानों, कौन सा था यह व्यक्ति? बताने की कोशिश करना। फेसबुक पर बंद करो, रुक पो, चालू हो जाओ, बफरिंग कर रहे हो। फेसबुक भी चल रहा है। आंसर सिर्फ बनवारी लाल, शहबाज सुबेदा, शहबाद, हाँ एन के चौधरी, शाबाश शीशराम कुड़ी, शाबाश मंजू, सभी प्यारे विद्यार्थी, लगे रहो, देखो लगे रहो, टेस्ट में मज़ा आ रहा है, क्लास को लाइक भी करते रहेगा, जो चीज़ की समस्या है वो मेरे से पूछ सकता है। तो याद रखना, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षांत किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति की बात करें तो वो कौन सा आएगा? सुबुद्ध। याद रखना इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा जवानों? डी। शाबाश। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। फटाफट बताने की कोशिश करना कि प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। फटाफट बताओ। सुभाष भोसले बहुत पीछे चल रहा है, मुकेश जी बहुत पीछे चल रहे हो भाई, फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। हाँ बाबूलाल शर्मा जी, विजय कुमावत, एसपी चौधरी, जो हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ रहे हैं, उनका भी आंसर एकदम सटीक आ रहा है। जुड़े रहेगा जवानों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। यूट्यूब चैनल ओपन ही, फेसबुक आईडी जो यूट्यूब चैनल है उस पर, हाँ जयराम यादव, बहुत अच्छी बात है जवान भाई, लगे रहो ऐसे ही, लगे रहो। हाँ तो ध्यान रखना, प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जाए
तो अपना कौन सा आ जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। कि प्राचीनतम विश्व भारत का देखा जाए तो कौन सा आएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न आया हुआ है, मोस्ट प्रश्नों में गिनती होती है, इसकी ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बोधवाद के प्रचार के लिए किया गया? फटाफट बताओ कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग ज्यादा बार किया गया है? फटाफट बताओगे भाई। हाँ शाबाश संतु मेहरा जी, बहुत अच्छी बात है। विनोद कुमावत एनसीसी भाई, बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहेगा अपने पेज से। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इधर मीरा तालोड, मनोज, मनीषा, जुड़े रहो भाई, फटाफट आंसर देने की कोशिश करना कि किस भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया, वो भाषा बतानी है आपको। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। जो मनु जुड़े रहो फटाफट जुड़ने की, जो अपने फेसबुक पेज पे भी जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार अपने चैनल से जुड़ने के लिए। शाबाश शाबाश, जुड़े रहो भाई, जोड़ जमानू। ध्यान रखना वो भाषा कौन सी आएगी आपकी? पाली भाषा, याद रखना। पाली भाषा तो आप वैसे भी रख सकते हो क्योंकि राजस्थान का जिला भी क्या है आपका? पाली आता है। तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए, किस धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा अगर भाषा का प्रयोग किया गया है तो वो कौन सी भाषा आएगी आपकी? पाली भाषा आएगी। कौन सी भाषा आएगी जमानू? पाली भाषा। चलो अगला प्रश्न, दिल्ली के मैरोली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है आज के लिए, ध्यान रखना भाई। लोहा स्तंभ पूछ रहा है, लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? फटाफट बताओगे जवानों। शाबाश शाबाश, सभी के आंसर नहीं आ रहे मेरे पास। हाँ सभी का प्रश्न क्या आएगा? ए, याद रखना कौन सा आएगा प्रश्न? ए नंबर का आएगा कि दिल्ली के मैरोली के कुवत स्लम्स के मामले में बात करता है तो कौन सा आ जाएगा आपका? कि उस जो आपका है प्रश्न, दिल्ली के मैरोली कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोहा स्तंभ की किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो याद रखना अपने इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा रे जवानू, ध्यान रखना क्या आएगा। कोई बता सकता है क्या? सभी लोगों ने बता दिया। देखता हूँ एक जो चेक कर रहा हूँ मैं, अशोक चंद्र हर्ष और अनंगपाल, तो सभी का आंसर लगभग लगभग का क्या है, सही आएगा क्या? मैं देख रहा हूँ, चेक करने दो एक बार आंसर मेरे को। इस प्रश्न का आंसर आएगा चंद्र। क्या आएगा? चंद्र की स्मृति में इसकी क्या है, दिल्ली के कुत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोहा स्तंभ की याद में किसकी याद में बनाया गया है? चंद्र की याद में बनाया गया है। आगे वाला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्नि मित्र नाटक का नायक था? फटाफट बताओ।
पर्सन पूरे नहीं हो पाएंगे जो विकास, नहीं तो एक्सप्लेन कर देता मैं अगले टॉपिक में कर देंगे जो भी चीज़ें हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र किस नाटक का नायक था? फटाफट बताओ। हाँ बता दूंगा, फटाफट बताओ भाई जवानों इस प्रश्न का कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक कौन था? शाबाश, जुड़ रहे क्लास को लेकिन लाइक नहीं कर रहे क्लास को, क्या चक्कर है? शाबाश शाबाश, फटाफट आंसर दोगे भाई जवानों? कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का रचयिता मतलब कौन था, नायक कौन था? मनोज कुमार दूधवाल, मनोज सुलेचना दादरवाल। शाबाश शाबाश, जुड़ने की कोशिश करो भाई, सभी अच्छी बात है। हाँ सीधी सी बात है, कौन आएगा? अग्निमित्र आएगा। कौन आएगा? अग्निमित्र, मतलब इसमें नाटक करने वाला व्यक्ति कौन था, नायक था जो, कौन था? अग्निमित्र, याद रखना भाई। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख के उपलब्ध में पाया गया है? एरन के, गया के, नालंदा और प्रयाग, फटाफट बताओ। शाबाश, सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने फेसबुक पेज से भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। हाँ अब की बार वाला आंसर सबका लगभग लगभग सही सम्मान से आ रहा है। बाकी और कैंडिडेट ध्यान दो भाई, प्रश्न को पूरा पढ़ा करो। क्या कह रहा है प्रश्न कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां कौन से अभिलेख में मिलती हैं? सभी को पता होना चाहिए ये चीज। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ तो कहाँ पे बताओगे जवानों? प्रयाग। कहाँ पर बताओगे? प्रयाग, जो अभिलेख है उसमें सैनिकों का उपलब्धि मिलती है। किसकी? समुद्री गुप्त की। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों क्या थे? बराबर। कौन से काल में बताओ फटाफट? स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर क्या था, अधिकार था, कौन से काल में बताओ? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में, इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताओ भाई। शाबाश, जुड़ रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। शाबाश शाबाश, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? सभी का आंसर आना चाहिए। आगे आगे वीरेंद्र, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ए के चौधरी, देवा महरिया, जितेंद्र, सभी लोग बहुत शाबाश, अच्छी बात है। कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी की जाती थी, तो वो कौन सा काल आएगा आपका? गुप्त काल। कौन सा काल आएगा जवानों? गुप्त काल। अगर टेस्ट में मज़ा आ रहा है देने में, टेस्ट में अगर मज़ा आ रहा है आपको देने में, तो थम का निशान लगा करके फटाफट बताओ, फिर मैं आपका टॉपिक चेंज करने वाला हूँ। ध्यान रखो भाई, पॉलिटिकल पे चलेंगे शायद अपन लोग। फटाफट बताओ, अगर आप लोगों को टेस्ट में देने में मज़ा आ रहा है, 40-45 लोग कंटिन्यू दे रहे हैं, तो सभी के थम के निशान आने चाहिए। मैं गिनूंगा सभी के, एक एक की गिनती करूंगा, फटाफट आने चाहिए अगर मज़ा आ रहा है तो। फटाफट बताओ भाई, बाहर आंधियां चल रही है, घोर घनघोर क्या हो रही है, घटाएं छा रही है, शायद आज ही क्या है बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली की संभावना है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज मैंने भी अपने रूम की विंडोज खोल रखी है ताकि क्या है ठंडी ठंडी हवा मेरे लिए भी आती रहे, सही है कि नहीं है? आज उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। फटाफट शाबाश, अच्छी बात, मैं देख रहा हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को थम के निशान, क्या पता। हाँ मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, मज़ा चाहिए सभी लोगों को कैसे भी करके। हंसी मजाक में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। टेस्ट दो सारी चीज़ों के, मैं आपको बोल दिया, चल कल लड़का बोल रहा था विकास की सर मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके, तो एक तारीख से आपको उसी पैटर्न के आधार पर नोट तैयार करके एक क्या दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा, जैसे पटवारी को चाहे बड़ी एग्जाम हो, चाहे दिल्ली SSC
क्या बोलते हो, CPSI बोल सकते हो, रेलवे ग्रुप डी की बोल सकते हो और रिट की बोल सकते हो, इन सब का मटेरियल तैयार करके एक अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है सभी के लिए। शाबाश, मजा आ रहा है सभी को, बहुत अच्छी बात है सभी। हाँ आने दो, हाँ मनोज आ रहा है तो टेंशन मत ले, बस आप तो देने की तैयारी रखो भाई। सुमन चौधरी, शाबाश एन के, सुरेंद्र बाजर, जितेंद्र कुमार, चलने दो, अच्छी बात है सभी लोग, आप लोगों का सहयोग चाहिए, बाकी तो मैं रुकने वाला कहाँ हूँ, मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, जवानों मेरी तरह बनो सभी लोग, सही है कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे वाला प्रश्न आपके लिए, ये लो, कौन सा राजवंश सुणु के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, बढ़ाओ फटाफट, कौन सा राजवंश सुणु के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो। सरोज कुमावत, अच्छा 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 क्या बोल रहे हो, सुबह मॉर्निंग में मैथ की क्लास में होगी क्या, ये दिक्कत है। इंदू राबे की नई आईडी को ब्लॉक कर दिया, बाकी फेक आईडी को रहने दिया। सर जल्दी जल्दी में कर दिया होगा, मैं चेक करूंगा जैसे अपनी क्लास खत्म होगी, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये सोच रहा था भाई टैलेंटेड बच्चे कहाँ चले गए। हाँ बहुत अच्छी बात है मदन लाल जी, देखो विकास, अच्छी बात है, मैं चेक करूंगा सरोज, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को, वार थोड़ी देर बाद में जैसे अपनी क्लास होगी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैन आईडी को ब्लॉक कर दिया और बाकी जो डुप्लीकेट आईडी जो फर्जी बना रखी थी उसको ब्लॉक नहीं किया। चलो भाई, हाँ कोई बात नहीं, कि कौन सा राजवंश सुणु के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो ध्यान रखना वह कौन सा आएगा, गुप्त वंश, ध्यान रखना कौन सा था भाई, गुप्त वंश। चलो भाई अगला प्रश्न, आगे आगे आपके पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न लेके आया हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न देना। लोकसभा का एक सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, पॉलिटिकल्स के प्रश्न लेके आया हूं, ध्यान रखना फटाफट बताने की कोशिश करना। शाबाश, 50 लोग कंटिन्यू देख रहे हैं भाई अपनी क्लास को। फटाफट बताओगे, लोकसभा का एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार सत्र बुलाया जाता है। सभी बोल रहे हैं दो बार, शाबाश शाबाश, रुक जाओ जवानू एक मिनट में देखूंगा आप सभी लोगों का, आने दो आंसर, आने दो। राजेश पर्सना कोचिंग भाई अब आए के, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी पर्सन को जांच लो एक बार, पर्सन क्या कहना चाहता है। हाँ ध्यान रखना कितना आएगा, एक बार कितने, सॉरी पहला प्रश्न आएगा कितनी बार सत्र बुला सकता है, लोकसभा का एक वर्ष के अंदर कितनी बार सत्र बुला सकता है, दो बार, याद रख लेना, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए लोकसभा में, याद रखना लोकसभा में विपक्ष दल होता है ना उसको न्यूनतम कितने सदस्य रखना चाहिए तब जाकर के उसको लोकसभा का विपक्ष दल कहा जाएगा, फटाफट बताओगे जवानों, क्लास को लाइक भी कर दो भाई फटाफट। अरे पर्सन में टाइम लगना चाहिए, पर्सन महत्वपूर्ण होता है, टाइम लग जाता है, बाकी सारे दिन ही
शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छी बात है, जुड़े रहो जुड़े रहो जवानों। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देखो बहुत ही मजा आ रहा है ना टेस्ट देने में। शाबाश, 55,555 राज सिंह पल। अरे जवान पूरा आंसर अच्छे से देख। शीशराम कुड़ी, देखो अपन लोग धीरे धीरे चलने वाले हैं, वो एक कछुओं वाली चाल, लेकिन हमें मजा तब आता है जब पूरे प्रश्न पूरे बच्चों का आंसर देखने के बाद में। बाकी तो मैं फटाफट करवा दूं, क्या मतलब निकलेगा पांच के आंसर देख करके। जब तक पूरे बच्चों का आंसर नहीं देखूंगा तब तक आगे नहीं चलेंगे अपन, तो वो एक कछुए वाली चाल चलेंगे लेकिन मजबूत तरीके से चलेंगे अपने आप में। तो ध्यान रखना कितने सदस्य होने चाहिए, लगभग 55 सदस्य होने चाहिए। शाबाश भाई जवानों। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, फटाफट बताओ भाई। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मतलब अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रखी गई है, फटाफट बताओगे शाबाश, फटाफट बताओगे भाई कितनी सीटें रखी गई हैं आरक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। आरक्षित सीटों के लिए कितनी सीटें रखी गई है, ध्यान से देखो आंसर एक का भी नहीं है। हाँ अनिल कुमार, कोई दिक्कत नहीं, अब फटाफट दे रहा हूं ना आंसर फटाफट। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो जवानों लगे रहो। बहुत ही शानदार बात है कि लोकसभा द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, मतलब कितनी सीटें निर्धारित की जाती हैं लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में। तो सबका प्रश्न लगभग लगभग का प्रश्न सही है। बाकी देखो यहाँ आएगा कितनी 84 सीटें, कितनी सीटें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में निर्धारित की जाती है, कि जितने भी सदस्य चुने जाते हैं ना वर्तमान में 545 में से दो निकाल दो जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, बाकी 543 में से 13 निकाल दो, 13 कहाँ से आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, बच गए कितने 530 जो विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं, और उन राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें होती है 84, कितनी सीटें होती हैं 84। आगे वाला प्रश्न, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था, फटाफट बताओगे सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं था। फटाफट बताओ भाई, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा फटाफट आंसर आने चाहिए, आ रहे मेरे पास। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने समय विधानसभा का सदस्य नहीं था, बताओ भाई फटाफट। विनोद कुमार शाबाश शाबाश, मनीष शाबाश, सभी लोग जुड़े रहो, मनीष सुभिता, आज सुभिता के प्रश्न बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, ध्यान रखना। HD देवगौड़ा साहब जी क्या नहीं थे, देवगौड़ा साहब क्या नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बाकी क्या थे, विधानसभा के सदस्य। लोकसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति, फिर उसको 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद उसको लोकसभा वगैरह जिस लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। ये बाद की बातें हैं, जब टॉपिक चलेगा आपके सर से पूछ लेना कि लोकसभा विश्वास मत प्राप्त करने वाला प्रधानमंत्री पहला व्यक्ति कौन सा जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त किया था भाई, बिना ही प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति, मतलब राज्यसभा का क्या था, सदस्यता। बाहर बारिश आ रही है जवानों, फटाफट बताओगे।
शाबाश शाबाश, देखो 50 लोग जुड़ रहे हैं और मेरी क्लास को लाइक कर रखा है मात्र 40 जनों ने। अरे मेरे जवानों शाबाश, लगे रहो, बहुत अच्छी बात है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन आएगा रे? चौधरी चरण सिंह आएगा। कौन आएगा? चौधरी चरण सिंह आएगा, ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह। फिर उसको 6 महीने के अंदर क्या लेनी पड़ती है? लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। शाबाश दोनों, बहुत अच्छी बात है। बारिश हो रही है। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापिस ले जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा था चौधरी चरण सिंह को, एच डी देवगौड़ा को, चंद्रशेखर को, या में से उपयुक्त सभी को? फटाफट बताओ भाई। 29 यूपीएससी 2004 और एसएससी में आया हुआ प्रश्न है भाई कि कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था, मतलब इसकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। कौन कौन से थे या कौन कौन था इसमें? चौधरी चरण सिंह बताओगे, एच डी देवगौड़ा साहब बताओगे, चंद्रशेखर बताओगे, इनमें से सभी बताओगे? फटाफट बताओ जवानों। शाबाश शाबाश, आंसर आना चाहिए मनीष रोज। हाँ लाइक करो भाई, सभी क्लास को लाइक करो, जितने भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो इनका प्रश्न क्या आएगा इनमें से सभी, कि चौधरी चरण सिंह भी सरकार गिर गई थी, देवगढ़ा साहब की भी और चंद्रशेखर साहब की भी, ध्यान रखना प्रश्न आया हुआ है महत्वपूर्ण। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, बताओ फटाफट। बताओ भाई फटाफट, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, फटाफट बताओगे? आंसर आ रहे हैं फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। आगे क्या सभी के आंसर? शाबाश शाबाश। अब देखो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दो चार चीजें वो देख लो यहाँ, क्या पता आप लोगों की जिंदगी बन जाए इससे। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए और कब तक? 1957 तक, 5 साल के होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा के चुनाव देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद में 57 से 62 तक, और फिर भी वही क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सही है कि नहीं है? फिर 1962 से आए, 1962 से 1964 तक भी कौन ही रहे? यही। फिर 64 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में कौन बढ़ता है? 1964 से 1966 तक, फरवरी तक, जिसकी एरोप्लेन में दूसरे देश के अंदर क्या हुई थी? ताशकंद समझौता करके आ रहा था, वो कौन सा था आपका? लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा था जवानों? लाल बहादुर शास्त्री। अब 67 में विवाद हो जाता है, कांग्रेस दो भागों बढ़ जाती है, एक तो कांग्रेस आई और एक कांग्रेस ओ, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आई की अध्यक्ष होती है इंदिरा गांधी, कौन सी होती है? इंदिरा गांधी को मतों के आधार पर क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री। लेकिन 1969 में इसकी सरकार गिर जाती है, फिर 1971 में चुनाव होते हैं। तो पहले 1971 से 1977 सबसे बड़ा कार्यकाल माना जाता है, जब आपातकाल लगाया गया था। क्या लगाया गया था जवानों? आपातकाल लगाया गया था 1971 से 1975 में, राष्ट्रीय में आपातकाल लगाया गया था। फिर अगर बात करें 71 के बाद में, 77 के अंदर प्रथम विपक्ष सरकार आती है। क्या आती है जवानों? प्रथम बार विपक्ष सरकार आती है, देखना भाई जवानों।
विपक्ष सरकार में आए थे, जानो तो चौधरी चरण सिंह जी और कौन कौन आया था आपका, ये दो आए थे, दोनों शासक वो क्या नहीं कर पाए, विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए, थोड़े दिन तक चलाए सरकार, उसकी भी क्या होगी, गिर गई। तो 1980 में फिर प्रधानमंत्री बनती है और मध्यवर्ती चुनाव होते हैं 1980 में, 80 से प्रधान, 80 से कितने तक, 84 तक। प्रश्न क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बनी, पहली देखा जाए तो स्पष्ट रूप से तो कब बनी थी, 1971 से 1975 यहाँ तक तो उसको बनना ही था, बना रहा था क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे। दूसरी बार देखा जाए तो 1984 में, आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 1984 के दिन किसकी मृत्यु हो गई, तेरा इंदिरा की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी कौन आता है आपका, राजीव गांधी 1984 से 1989 तक, फिर आगे की बातें थोड़ी सी गफ्फड़चोट में क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 1980 से 1984। शाबाश मानो, आगे वाला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, तो मैं बता ही दिया, फटाफट बता दो जवानों, फटाफट बताने की कोशिश करना। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात हाँ जयराम यादव जो अपने फेसबुक पेज से जुड़ रहे हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे हो, बहुत आंसर सही दे रहे हो जवानों, ऐसे ही प्रोग्रेस करना होगा। जयराम आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सीधा आकर के शाम के 7:30 बजे टेस्ट दे सकते हो भाई, और अपना फेसबुक पेज राजस्थान लाइव के नाम से चलता है, उसके ऊपर भी काफ़ी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। हाँ तो ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, 1964 में हुई थी, कब हुई थी जवानों, 1964 में हुई थी। कब हुई थी जवानों, 1964 में हुई थी, और उसके बाद में अगर कोई प्रधानमंत्री बना था तो ध्यान रखने वाली हाँ सीधी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु हो गई थी 1964 में, फिर 64 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री रहा था लाल बहादुर शास्त्री, जिसकी एरोप्लेन के अंदर ताशकंद समझौता करके आ रहा था, कहाँ पर, पाकिस्तान से, कहाँ, पाकिस्तान से ताशकंद समझौता करते हुए वापस आते वक्त एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसकी क्या हो गई थी, 1966 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में कांग्रेस दो विभाजनों में बट गई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ, शाबाश भाई मूलचंद पाउंडा, लोकेश कुमार कुमाऊजी भाई आप भी आंसर बताने की कोशिश करना। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के, तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम, फटाफट बताओगे जवानों, शाबाश, क्लास को लाइक भी करते रहेगा, लाइक बहुत कम कर रहे हैं जवानों। अविश्वास प्रस्ताव पारित के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने त्याग पत्र देना पड़ा था, फटाफट बताओ, सभी ने शिव बता रहा है, वीपी सिंह ने नहीं जवान, उससे पहले भी उठा दिया गया था एक व्यक्ति को, सुबेता राहुल जयराम, जयराम इंदिरा गांधी को तो नहीं उठाया गया था विश्वास प्रस्ताव के कारण। शाबाश शाबाश, पहला व्यक्ति था, हाँ अब की बार आ गया, एनके का आंसर आ गया, मोरारजी देसाई, किसको उठाया गया था, सर्वप्रथम मोरारजी देसाई को, और उसके बाद में कौन बना था, चौधरी चरण सिंह, कौन बना था, चौधरी चरण सिंह बना, और चरण सिंह के बाद 1980 में विपक्ष, मतलब 1980 में फिर से चुनाव होते हैं, कौन आ जाती है, इंदिरा गांधी। तो पहली बार अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव से कोई हटाया गया कैंडिडेट है तो कौन आएगा, मोरारजी देसाई, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जवानों, ए नंबर का। आगे
वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था, मतलब संसद की मीटिंग में ही नहीं गया, ऐसा प्रधानमंत्री भी था भारत का। तो फटाफट बताने की कोशिश करना कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद की बिना बैठक उपस्थिति दर्ज करवाए ही क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया कि मेरा बस की बात ही नहीं है। फटाफट बताओ भाई, शाबाश, जुड़े रहिएगा जवानों, जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जवानों। कोगराज आ गया क्या तू? बहुत अच्छी बात है। राजस्थानी न्यू प्रजापति ग्रुप सी भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जवानों। क्लास को लाइक भी करते रहिएगा, और मेरे भाई वो डिसलाइक कर बड़ो, मेरे सबसे प्यारो कैंडिडेट वही है। शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश, अच्छी बात है। हाँ सीधा सही बात है, कौन सा आएगा कि इनमें से वह प्रधानमंत्री, देखो चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे क्या थे, संसद में उपस्थित हुए थे। ये मोरारजी देसाई बना, मोरारजी देसाई 1977 में प्रथम विपक्ष सरकार बना था प्रधानमंत्री, ध्यान रखना प्रथम विपक्ष सरकार आई थी 1977 में। और आपको पता होना ये विपक्षी सरकार वर्तमान में 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, ये कौन थी, बीजेपी थी, ध्यान रखने वाली चीज। अब इसके अंदर 77 में 18 महीने एक समथिंग चलाता है, फिर उसके बाद में कौन आता है, चौधरी चरण सिंह जी को बनाया गया। और चौधरी चरण सिंह जी थोड़े दिन तो बने, फिर क्या बोलते हैं कि अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि संसद का सत्र पूछा जाए तो लोकसभा का सत्र साल में कितनी बार होता है, दो बार, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया था। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर, इंदिरा, सब बताओ फटाफट बताओ ये प्रश्न कि सर सबसे लंबा कौन रहा था, फटाफट बताओ। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाला व्यक्ति, फटाफट बताओ भाई जवानों, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाला व्यक्ति, फेसबुक पर, हाँ राजेंद्र जी कुमाऊत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल और हमारी ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी पर जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाला आसीन व्यक्ति कौन था, सभी, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, चौधरी चरण सिंह कहां से आ गए, कमला निठारवाल, प्रश्न पे ध्यान दो, बी जवाहरलाल नेहरू, शाबाश शाबाश। तो कौन सा आ जाएगा आपका, जवाहरलाल नेहरू। जब भारत आजाद हुआ था तभी से शुरू होकर के 1964 तक दो कार्यकाल पूरा किया था इसने, पूरा देखा जाए तो कितने कार्यकाल, दो। अगर पहले आम चुनाव की बात करते हैं, कब की तरह आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में, 1952 से 5 साल, 1957, 57 से 62, इसके रहने के बाद 1964 तक। तो ध्यान रखना सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो किसका आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर इसका शुरुआत नहीं गिना जाए, मान लो 52 से लेकर 64 तो कितने साल हुए, 12, अगर ये साल शुरुआत वाली 1947 वाली नहीं गिनते तो यहाँ पर प्रश्न क्या आएगा, इंदिरा गांधी आएगी, ध्यान रखना इंदिरा गांधी 1971 से लेकर के 77, तो 7 साल तो बह रही, 5 साल उनसे पहले रही, तथा 1967 से 1969 तक 2 साल वो रही थी। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना भाई। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए, सबसे लंबे समय के लिए तो आएगी ना, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, यह भी आ गया पहले भाई, तो भाई जवानों आज का टेस्ट यही क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कैसा लगा आपको आज का टेस्ट, फटाफट बताओगे, क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे अच्छा लगा तो। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो, जैसे मेरे प्यारे भाई जो सुबह भी मेरे लिए तैयार मिलता है, मैं उस नौजवान से
साथी से इतना खुश हूँ कि वो बंदा मेरे को डिसलाइक करने के लिए मेरी क्लास को देखता है। और मैं उस बंदे से एक ही बात कहना चाहता हूँ, बंदा अगर तेरे को जॉब लगना है तो मेरी क्लास को तू ऐसे ही डिसलाइक करते जा और कंटिन्यू तू देखते जा। याद रखना, इस लाइकों से मेरे को कुछ लाइकों से हौसला बढ़ाओगे, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या लेके आऊँगा, पर्सन लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों की जो रिविजन है, जो आप लोग टेस्ट देने में इच्छुक हैं, उनसे आप जुड़े रहेंगे। सही है कि नहीं है जवानों? मैं उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट इस कोरोना महामारी के दौर पे घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रहें। हमसे जो चीज़ चाहते हो है? अच्छा, इसको ऊपर कर दूँ क्या? रुको भाई, हाँ, अगर हमसे जो चीज़ की कमी रह जाती है उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, हम उस कमेंट बॉक्स को देखकर अगली क्लास में आपके लिए वो चीज़ उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। 1 तारीख से आपकी साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी, करंट के जीके भी शुरू हो जाएगा, साइकोलॉजी की क्लास भी शुरू हो जाएगी, हिंदी और संस्कृत की वो क्लास भी आपके लिए शुरू हो जाएगी, कंप्यूटर के भी आपको वीडियो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग 1 तारीख से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जवानों। आप हमारा ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहेगा, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर लेकर आने की कोशिश करेंगे। हाँ, मेरा फैन है, जरूर फैन है भाई वो जवान सूर्य प्रकाश, जो क्लास को क्या करके जाता है, डिसलाइक करके जाता है। कोई दिक्कत नहीं जवानों, मनोज कुमार मज़ा आ गया क्या? बहुत अच्छी बात है जवानों। हमारे फेसबुक आईडी पेज पे भी आज कंटिन्यू लाइव चल रहा था, वहाँ पर भी काफ़ी लोग क्या दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया, मज़ा आया। तो सभी थम का निशान देकर के मेरा हौसला बढ़ाओगे, इससे बेहतर पर्सन लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। ध्यान रखना जवानों, फटाफट। अच्छा अच्छा, यह समस्या हो गई भाई आज सुबह। हाँ, उसका भी मेरा, उसका भी अपन लोग जिक्र करेंगे, देखेंगे। अब मैं जाकर के, कोई बात नहीं, चेक करूँगा मैं इंदु कुमारी की जो अपनी फेसबुक वो क्या ईमेल आईडी है, उसको अपने गलत रॉन्ग को ब्लॉक कर दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। फेसबुक आईडी क्या है जवान? व्हाट्सएप पे विश्व यूट्यूब पे जुड़ रहा है तो फेसबुक आईडी है राजस्थान लाइव, अपनी है राजस्थान लाइव स्टडी नाम से ही फेसबुक आईडी है। और मेरी आईडी तो कल से चलना शुरू हो जाएगी, 1 तारीख से मैं मेरी आईडी पे भी चलना शुरू करूँगा। 1 तारीख से पहले मेरी फेसबुक आईडी पे मैं चलाना शुरू नहीं करूँगा। ध्यान रखना जवानों, 1 तारीख से अपनी फेसबुक आईडी पे भी चलेगा। ध्यान रखना, अपनी फेसबुक आईडी का मतलब ये सोच लो 200-300 लोग तो कंटिन्यू उसको क्या करेंगे, लाइव में फॉलो करेंगे। मैं यहाँ भी देखने की कोशिश करूँगा कि 1 तारीख से आप लोग, अब आपके कोई मन में दिक्कत हो, कोई सवाल चल रहा हो कि गुरुजी आप ऐसे ऐसे कच करना चाहो, तो मैं आपको 2 मिनट देना चाहता हूँ, फटाफट कमेंट को उसमें करके बता दो भाई आप क्या चाहते हो, फटाफट बताओगे। विकास बहुत अच्छी बात है, कमला निठारवाल सूर्य मज़ा आ रहा है ना सभी लोगों को, बताओ फटाफट बताओ। किसी के कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अपने लोग उपलब्ध करवाएंगे। PDF 1 तारीख से डालना शुरू करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, राजस्थान लाइव स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है भाई। हाँ, राजस्थान लाइव स्टडी फेसबुक आईडी वाइज बोलो, कोई भी पूछ सकता है। 40-45 लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट बताओ भाई। फटाफट बता दो क्या यार, मेरे को दिखो। अशोक कुमार सामुता, हाँ फेसबुक आईडी पे जुड़ रहे हैं भाई जोनो, बहुत अच्छी बात है। हम आपके लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, जो घर बैठे बच्चे हैं ना वो आराम से अपनी चीजें देख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो फटाफट पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी के। अब मेरा कहना एक ही है कि अपनी पर्सन क्या था विकास, मेरे को तो यही नहीं पता भाई पर्सन क्या था। फिर लास्ट तक आप लोग, मैं जब तक वापस कमेंट कर रहा तक आप लोग चले गए थे अपनी क्लास में, बातें करेंगे सुबह मॉर्निंग में, पर्सन क्या था। कोई दिक्कत नहीं भाई विकास, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे कल के लिए टॉपिक बताऊं, कल के लिए टॉपिक है आपके लिए शायद, तो कल टेस्ट
मुश्किल ही होगा, क्योंकि यार मैं भी इतनी दूर रहता हूँ, 15-20 दिन हो गए हैं घर गए हुए। तो प्लीज़ थोड़ी सी सॉरी चाहता हूँ, मंडे को मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। कल शायद हो सकता है मैं गांव निकल जाऊँ कल सुबह मॉर्निंग की क्लास लेकर के, और कल मैं आपकी मॉर्निंग की क्लास में बता के चला जाऊँगा भी क्या क्या टॉपिक आपके सामने आएंगे। सही है कि नहीं है भाई? मैं भी काफ़ी दिनों से यहाँ आपके लिए मेहनत कर रहा था, तो अब मेरे को भी थोड़े से घर जाने चाहिए कि नहीं चाहिए भाई जवानो? सही है कि नहीं है? तो सुबह की क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे 7:30 बजे से। वही आपकी किसकी क्लास रहेगी 7:30 बजे? मैथ की क्लास। 8:30 बजे फिर मैं आपके सामने एक अच्छा सा दिन की शुरुआत करने जाएंगे। ध्यान रखना, सही है कि नहीं है? चलो भाई, गुड नाइट मेरी तरफ से।